हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, आज फिर मैं निकला हूँ आप लोगों को एक नई अपडेट दिखाने के लिए। सो गाइस, ये वाली अपडेट रहेगी आसरोड़ी झाजरा हाईवे की। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक देहरादून पोंडा हाईवे की अपडेट देखी होगी, बल्लूपुर टू सिंगनी वाला, उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, तो इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से इस प्यार को बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लेकर हमेशा आता रहूं। दिल्ली देहरादून हाईवे लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी उसके ऊपर ट्रैफिक भी चालू किया जा सकता है, तो अभी कुछ ऐसी अपडेट निकल कर नहीं आई, तो जब अपडेट आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा और उसकी एक और अपडेट आप लोग को ज़रूर दूंगा मैं। सो गाइस, आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी पूरा देखें और सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर बताएं कि आप लोग को ये अपडेट क्या। मिलता हूँ मैं आप लोग को। झाजरा क्षेत्र में और आज आपको यहीं से आसरोड़ी झाजरा हाईवे की अपडेट दी जाएगी। जैसे कि आप लोग काफ़ी समय से मैसेज कर रहे हैं कि आसरोड़ी झाजरा हाईवे की अपडेट दिखाई, तो आपके मैसेज ही पड़े हैं, तो फिर मैं आप लोग को यहाँ की अपडेट दिखाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। सो गाइस, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आप यहाँ की अपडेट। देख सकते हैं इस साइड से ये पूरा शुद्ध वाला और प्रेमनगर के लिए रास्ता जाता है और ये पूरा झाजरा क्षेत्र पड़ता है। इस साइड से सेवली गांव, इस साइड से परवल गांव जाया जाता है और आगे भी जो गांव पड़ते हैं जैसे कि शेरपुर, हसनपुर, कल्याणपुर। और आज मैं खड़ा हूं तो ये इस जगह पे खड़ा हूं जहां पर एक काफ़ी बड़ा चौक बनाया जाएगा, क्योंकि जो ये आप इधर देख रहे हैं आसरोड़ी झाजरा हाईवे के ऊपर काम चल रहा है यहां पर, तो ये सीधा यहाँ से इस चौक पे जुड़ जाएगा और फिर यहाँ से आगे मसूरी के लिए हाईवे बनाया जाएगा। और वो जो हाईवे बनाया जाएगा वो नंदा की चौकी से बनाया जाएगा, यहाँ से उसकी कोई अपडेट नहीं है हाईवे को बनाने की, उसको नंदा की चौकी से फिर सीधा मसूरी के लिए निकाला जाएगा। 22 किलोमीटर दूर वो हाईवे पड़ेगा जो मसूरी के लिए सीधा निकाला जाएगा। और इन हाईवे को निकालने का रीज़न ये है कि देहरादून शहर के अंदर काफ़ी ट्रैफिक हो चुका है और उस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए और जो लोगों का समय लगता है उस समय को बचाने के लिए इन हाईवे का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इस उत्तराखंड और देहरादून के अंदर। और जितने भी हाईवे बनाए जा रहे हैं ये देहरादून के बाहर बाहर है, क्योंकि जो मसूरी के लिए जाते हैं या पोंटा साहिब के लिए जाते हैं या जैसे हरिद्वार जाते हैं तो वो शहर के बीच से होकर ना जाए बल्कि बाहर बाहर से होकर जाए, तो इसलिए ये हाईवे बनाए जा रहे हैं। तो ये आसरोड़ी झाजरा हाईवे भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं देहरादून के बीच से होकर जाते हैं, जैसे ISBT से फिर सीधा पोंटा साहिब निकल जाते हैं, तो जो भी पोंटा साहिब जाएगा या जैसे मसूरी जाएगा तो इस हाईवे से होकर जाएगा जब ये हाईवे पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। और इस हाईवे को दो तरीके से तैयार किया जा रहा है, जैसे कि मैं आप लगा सबसे पहले इसको आसरोड़ी से और झाजरा तक इस हाईवे को कम्प्लीट करके फिर नंदा चौकी से और मसूरी जो हाईवे बनना उस पर काम किया जाएगा। पहले इससे पहले भाग को पूरा किया जाएगा फिर दूसरे भाग को तैयार किया जाएगा। सो गाइस, चलता हूँ और आगे की अपडेट आप लोग को दिखाता हूँ चल के। आगे शायद जाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आप देख सकते हैं आगे काम चल रहा है, तो ऊपर मेरे ख्याल से जाना मुश्किल है। अभी देखता हूँ किस तरीके से जाया जाए, तो ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर काम चल रहा है अभी इस हाईवे पर, तो इस साइड से तो मेरे ख्याल से थोड़ा रास्ता है जाने का, तो मैं इस साइड से ऊपर जाऊँगा फिर आप लोग को यहाँ से ऊपर की ये वीडियो दिखाऊंगा चल के। सो गाइस, देख सकते हैं इस तरीके से इस हाईवे को यहाँ से सीधा निकाला जा रहा है और काफ़ी बड़ी चट्टान थी जिसको काटकर फिर इस हाईवे को यहाँ से निकाला गया है। तो ये आसरोड़ी झाजरा हाईवे पर थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है, तो ऊपर जाकर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ चल के। सो गाइस, देख सकते हैं वहाँ से तो जाना काफ़ी मुश्किल है,
और वहाँ पर काम चल रहा है। तो मैं ये इधर जो प्रॉपर्टी कटी हुई है यहाँ से, और यहाँ से इधर से कैसे रास्ता है जाने का, तो देखता हूँ शायद यहाँ से जाने के लिए रास्ता है कोई, अगर यहाँ से जाया जाए तो। सो गाइस ये रास्ता लग रहा है आने जाने का, मेरे ख्याल से काफ़ी समय से बंद है, यहाँ से लोग जाया करते थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर भी ये रास्ता बना है। तो यहाँ से ऊपर से जाऊँगा मैं, तो इधर उम्मेदपुर का एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है गाँव का, तो देखता हूँ यहाँ से जाने के लिए रास्ता है क्या आगे। तो वैसे तो मैं कभी इस रास्ते से आया नहीं, और आप लोग को अपडेट दिखाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते से ज़रूर जाना पड़ता है, तो देखता हूँ यहीं से ही। सो गाइस मैं इस रास्ते से गया था, यहाँ तो बंद पड़ा है पूरा, आगे मकान बना हुआ है, तो आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो कोशिश करता हूँ अगर इधर से ही रास्ता मिल जाए तो जाने के लिए, नहीं फिर मुझे प्रेमनगर से ठाकुरपुर से घूम के फिर लक्ष्मीपुर से फिर उम्मेदपुर आना पड़ेगा, काफ़ी लंबा रास्ता हो जाएगा वो। सो गाइस काफ़ी लंबी दूर से घूम कर आया हूँ मैं, इधर लक्ष्मीपुर से मैं होकर आया हूँ, जहाँ से पहली बार मैं यहाँ पर आया था आप लोग को अपडेट देने के लिए, तो दूसरी बार फिर मैं यहीं से आया हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खुदाई चल रही, जो मैंने अभी आप लोग को वीडियो में दिखाया था। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ा मुझे, मैंने सोचा था कि मैं इधर से आ जाऊँगा, मगर इधर से एक रास्ता बंद है, तो इसी वजह से यहाँ से नहीं आ पाया, क्योंकि इधर भी काफ़ी घर है आप देख सकते हैं। तो इधर आगे चलकर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से सीधा इस हाईवे को निकाला जाएगा, तो आगे चलकर टी बागान क्षेत्र पड़ जाएगा, ये इधर उम्मेदपुर पड़ता है गांव, तो टी बागान इसके सामने है, वहाँ की भी अपडेट मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इस हाईवे पर थोड़ा बहुत तो काम शुरू कर दिया गया आसरूढ़ी झाजरा हाईवे पर, तो चलता हूँ आगे चलकर और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पर जो ये आप सामने पेड़ देख रहे हैं, अभी इस पेड़ की कटाई नहीं की गई, अभी ये पेड़ मौजूद है, तो आने वाले समय में शायद इस पेड़ को भी काटा जाएगा। ये इधर से मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक बुद्धा जी की मूर्ति रखी थी, अभी वो मौजूद है, तो थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाया था मैं आप लोग को, कितना ऊंची जगह थी ये। सो गाइस ये आप ऊपर से देख सकते हैं, नीचे साइड में देहरादून पोंटा हाईवे है, ये देख सकते हैं आप लोग, इसी हाईवे को भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस हाईवे को यहाँ से निकाल कर और फिर वहाँ उस पोंटा साहिब हाईवे में इसको जोड़ दिया जाएगा, और यहीं से फिर सीधा नंदा की चौकी से मसूरी के लिए हाईवे निकाला जाएगा, जो मैंने आप लोग को बताया वो 42 किलोमीटर दूर हाईवे रहेगा, तो उस पर भी काम किया जाएगा जब ये काम कम्प्लीट हो जाएगा इस हाईवे का। तो इसमें अभी 2-3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, जिस तरीके से देहरादून पोंटा हाईवे को लगे 4 साल से उसमें काम चल रहा है अभी। तो आगे चलकर और दिखाता हूँ मैं आप लोग को अपडेट, ये यहाँ पर हो चुका है काम शुरू, ये इधर पूरा उम्मेदपुर है, और इस साइड में अगर जाओगे इस रास्ते से तो लक्ष्मीपुर क्षेत्र शुरू हो जाएगा ठाकुरपुर, और ये सीधा इधर भी उम्मेदपुर गांव पड़ता है। तो आगे की ओर अपडेट मैं आप लोग को दिखाता हूँ चल के। सो गाइस अभी इस उम्मेदपुर में अभी इतना कुछ काम नहीं किया गया है इस आसरूढ़ी झाजरा हाईवे पर, देख सकते हैं आप लोग, ये जो टी बागान क्षेत्र है ये अभी ऐसे कैसे ही पड़ा है, वैसे बीच बीच में यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घास खड़े थे। सो गाइस आप लोगों ने जो स्क्रीन पर अपडेट चल रही है ये ज़रूर देखी होगी आप लोगों ने आसरूढ़ी झाजरा हाईवे की, और उसके लास्ट बाद में आप लोगों को ये फिर दोबारा अपडेट देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। सो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, अभी भी यहाँ पर कुछ काम नहीं छेड़ा गया, ये यहाँ से जस्ट पास में उम्मेदपुर गांव शुरू हो जाता है, और आगे चलकर आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ मैं। सो गाइस मैं उम्मेदपुर गाँव के जस्ट पास में आ चुका हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूरदार तक कुछ ऐसा भी काम नहीं छेड़ा गया इस आसरूढ़ी झाजरा हाईवे पर, और अभी मैं इधर से चलकर आप लोगों ने झाजरा से और उम्मेदपुर गांव तक की ज़रूरी अपडेट देखी होगी, तो अभी कुछ ऐसा काम नहीं छेड़ा गया। आगे चलकर और अपडेट दिखाता हूँ, आगे टी बागान क्षेत्र शुरू हो जाएगा, तो टी बागान में थोड़ा बहुत काम शुरू मेरे ख्याल से किया गया है।
सो गाइस, ये उमेदपुर के लिए रास्ता जाता है। इधर से आप सिगनी वाला और शिमला बाईपास रोड भी जा सकते हैं। ये इधर से पंडितवाड़ी और लक्ष्मीपुर और अम्ब वाला क्षेत्र पड़ेगा, और इधर से आप प्रेमनगर के लिए भी निकल सकते हैं। ये रास्ता बीच में पड़ता है एक उमेदपुर के पास में। और गाइस, यहाँ से सीधा इस आसरोड़ी झाजरा हाईवे को निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को टी बगान की भी वीडियो दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं टी बगान में भी है कि ये रास्ता बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो मैं आज आप लोग को इस टी बगान से ही जाकर इस आसरोड़ी झाजरा हाईवे की अपडेट दूंगा। चलता हूँ आगे की ओर, अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सो गाइस, जब मैं बीच में यहाँ पर आया था तो उस समय यहाँ पर काफ़ी चाय के पेड़ खड़े हुए थे। तो आज के समय में आप देख सकते हैं आप लोग को एक भी चाय का पेड़ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इस तरीके से इस आसरोड़ी झाजरा हाईवे को निकाला जा रहा है। इस हाईवे के साइड में पूरा ये चाय बगान है, और इस साइड में भी पूरा चाय बगान है ये, और बीच से ये हाईवे निकाला जा रहा है। और इस हाईवे की जो चौड़ाई रखी जाएगी, 24 मीटर चौड़ाई इस हाईवे की रखी जाएगी, तो 24 मीटर का एरिया ये इस चाय बगान के बीच बीच से निकाला जा रहा है। तो आगे चलकर और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सो गाइस, अभी मैं इधर से चलकर आया हूँ, और बीच में आप देख सकते हैं ये कि ये प्लांट बनाकर इन्होंने तैयार किया गया है। इस प्लांट को इसलिए बनाया गया, जो मटेरियल होगा इसके अंदर लाकर डाला जाएगा, जैसे कि सीमेंट सरिये हो गए या कुछ भी अन्य सामान हो गया, तो इन प्लांटों के अंदर लाकर रख दिया जाएगा ताकि सुरक्षित रहे वो। और यहाँ पर मजदूर भी है काफ़ी जो इस हाईवे में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ठहरने के लिए काफ़ी हाउस बनाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये इस तरीके से डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से इस आसरोड़ी झाजरा हाईवे को निकाला जा रहा है। और इसको आप दिल्ली आसरोड़ी झाजरा हाईवे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हाईवे है सीधा दिल्ली देहरादून हाईवे में जुड़ जाएगा जाके आगे जाकर। तो इससे जो दिल्ली जाने वाले हैं वो इस रास्ते से भी दिल्ली जा सकते हैं। और सो गाइस, आप देख सकते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये खुदाई कर दी गई थी। जब मैं यहाँ पर पिछली बार आया था तो एक काफ़ी बड़ा गड्ढा खोदा गया था यहाँ पर, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी भर के उसको समतल कर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत काम इस हाईवे पर शुरू किया गया, बाकी अभी इतना काम इस हाईवे पर शुरू नहीं किया गया। जैसे कि आप लोग अक्सर मैसेज करते रहते हैं कि आसरोड़ी झाजरा हाईवे पर काम शुरू हो चुका है। तो सो गाइस, मैं आप लोग को वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ कि अभी इस हाईवे पर इतना काम शुरू नहीं किया गया। ये इधर पिलर बनाने की तैयारी की जा रही है, और बीच में अभी ये काम रोक दिया गया है। और आगे की और अपडेट मैं आप लोग को चलकर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी घने जंगल के बीच से इस हाईवे को निकाला जा रहा है। सो गाइस, मैंने आप लोग को झाजरा से लेकर उमेदपुर और ये टी बगान तक की इस हाईवे की अपडेट दी है। तो सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही है कि कितना काम इस हाईवे पर शुरू हो चुका है, और अभी फ़िलहाल इस हाईवे पर बहुत काम करना बाकी है, और 3-4 साल तो इस हाईवे पर लग ही जाएंगे इस हाईवे को कंप्लीट करने में। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा हाईवे 12 से 13 किलोमीटर दूर तक का ये हाईवे बनकर तैयार होगा। और पहले कभी मैं आता था तो बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, और उन झाड़ियों के बीच में जाकर काफ़ी मुश्किल से पता लगाना पड़ता था कि ये हाईवे कहाँ से निकलेगा और किस तरीके से हाईवे को यहाँ से निकाला जा रहा है। सो गाइस, आज के समय में आप देख सकते हैं पूरी झाड़ियाँ और जो चाय के पेड़ थे बिल्कुल काट दिए गए हैं, और एकदम प्लेन ये एरिया कर दिया गया है जितने एरिया में इस देहरादून आसरोड़ी झाजरा हाईवे को निकाला जा रहा है। तो आगे चलकर और अपडेट मैं आप लोग को देता हूँ, क्योंकि इस साइड में काफ़ी घना जंगल है और डर भी लगता है जंगल के बीच में जाके हाईवे के अपडेट देना आप लोगों को। तो अभी मैं फ़िलहाल यहीं से सीधा जाऊंगा और फिर यहीं से वापस आऊंगा। मैं जाना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मैं अकेला हूं, आप देख ही सकते हैं ये पूरा जंगल एरिया है, और मेरे आसपास इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए अभी मैं आप लोग को इस पूरे टी बगान से होकर आगे तक की अपडेट दिखाता हूँ कि आगे भी कुछ काम इस हाईवे में किया गया या नहीं।
तो चलता हूँ आगे की ओर, अपडेट दिखाता हूँ आप लोग को चल के। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इधर से चलकर आया हूँ अभी, और आप लोग को गवर्नमेंट के द्वारा जो निशानी लगाई जाती है वो भी दिखाया था मैं आप लोग को। ये देख सकते हैं इधर ये लगाई गई है यहाँ पर निशानी। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, तो ये बड़े बड़े बांस यहाँ पर लगाए गए थे ताकि मालूम पड़ जाए कि इस हाईवे को यहाँ से निकाला जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं ये झाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है यहाँ से, और बाकी ये ज़मीन जो इस हाईवे के आप बगल बगल में देख रहे हैं पूरी ये टी बगान वालों की पड़ती है। मुश्किलों बाद ये टी बगान वालों ने यहाँ पर ज़मीन दी है इस हाईवे को निकालने के लिए। तो फिर इसके बाद जब सिक्योरिटी मिल गई तो इस हाईवे पर काम शुरू कर दिया गया है। 3 से 4 महीने इस हाईवे को यहाँ से निकालने की स्वीकृति ली गई है, क्योंकि ये ज़मीन टी बगान वालों की है, और इससे टी बगान वालों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो धूल मिट्टी होगी वो सब टी जो चाय के पेड़ हैं उनके ऊपर पड़ेगी, तो जिससे चाय के पेड़ ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस हाईवे को यहाँ से निकालने की अभी अनुमति नहीं दी गई थी, तो काफ़ी मुश्किलों बाद फिर इस हाईवे को यहाँ से निकालने की अनुमति दी गई है। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसको सीधा हाईवे को निकाला जा रहा है, और यहाँ से सीधा निकाला जाएगा। आगे काफ़ी बड़ा जंगल पड़ता है, और अभी मालूम नहीं कि इस जंगल के बाद कौन सा गांव पड़ता है, क्योंकि जब भी मैंने आप लोग को अपडेट दी है वो सेवली गांव से सीधा पोटी वाला तक की मैंने आप लोग को अपडेट दी है। सो गाइस, आप लोगों ने देखे कि मैंने आप लोग को झाजरा से लेकर रुमेदपुर और टी बगान तक की अपडेट दी है, और आप लोगों ने इस अपडेट में देखा ही है कि इस हाईवे पर अभी कितना काम किया गया है और कितना काम अभी करना बाकी है। सो गाइस, अगर आप लोग को ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए इस आसारोड़ी झाजरा हाईवे की नई से नई अपडेट लेकर आता रहूं। सो गाइस, आप लोगों को फिर मैं मिलूँगा एक और नई आसारोड़ी झाजरा हाईवे की अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।